हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरोन और आप सब अच्छे होंगे। तो फिलहाल अभी हम खेत में आ चुके हैं व्लॉग बनाने के लिए, और हमारे साथ अभी परवीन। ओ, ये है हमारे दादाजी। ये आपको, ये हमारे खेत का ध्यान रखते हैं। ये आपको खेती के बारे में कुछ बता देंगे। दादाजी, आप क्या कर रहे हो? हम बाजरी देखने आया था। बाजरी देख रहे थे? तो हाँ, बाजरी कैसी होगी? अच्छी हुई है। अच्छी हुई है तो बड़ी हो गया। बाजरी का रोटला खाएंगे? हम रोटला खाएंगे बाजरी का। बाजरी का रोटला अच्छा लगता है? बाजरी का अच्छा पता है। और कौना है, कौनी रोटी? कब की रोटी मेरे दादाजी को नहीं पाती है। हाँ, तो इधर पे है कम्बोई का मोटा वृक्ष, और इसके नीचे है प्रवीण, और इसके अंदर एक लिमड़ा भी है, और वो छेदड़ी भी है। और अरे, यहाँ पे लाल पत्ती, ये कैसा है? अरे देख सकते हैं आप, रियल में ही लाल पत्ती है। क्या है? लाल पत्ती है। इसका नाम तो मुझे भी नहीं आता है। नाम नहीं आता तुमको? आप देख सकते हैं। और परवीन, ये क्या है? और ये हमको बहुत ही ज्यादा चोट लगाता है। तो ये लोग आप कमेंट कर देना, और हम तुम प्रश्न दोगे तो हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, और तुम्हारा प्रश्नों का उत्तर हम सही से सब दे देंगे। तो तुम सब ये लॉग में कमेंट कर देना। और अभी हम खेत में ही, तो तुमको जो आता है एक क्वेश्चन हमको पूछ देना, हम उसके सही से उत्तर देंगे। तो बोलिए कुछ कहोगे? हाँ, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप, छोड़े कैसे जाड़े? छोड़े छोड़े इस छोड़ के कांटे भी होते हैं। इस छोड़ के कांटे यहाँ पे, उसकी पत्ती यहाँ पे लहू परिंग। कैसे कैसे लग रहा है ये? बहुत ही है ये, तुम देखो या ये देख सकते हैं आप। ये लगते तो हमको क्या होता है परिंग? हमको बहुत दर्द होता है। और या क्या चीज है, आप देख सकते हैं। मैं इससे कुछ कर सकता हूँ? क्या किया? कैसी आवाज निकली? बहुत ही अच्छी आवाज निकली। और अभी फिलहाल तुमको दिखाते हैं सामने, इधर पेपर रिंग क्या उगाया है सामने, और सब्जी है क्या? हाँ। तो तुमको हम सब्जियां दिखाएंगे अभी। तो चलो परवीन, चलो तुम देखो, ये खेत है और हम खेत के बीच में जा रहे हैं, है ना परवीन? हाँ। तो तुमको ये सामने जगह दिखाते हैं, और बहुत ही अच्छी जगह है, और हम बहुत ही बार इधर पे आते हैं, है ना परवीन? और हमको इधर पे मजा आ जाता है। तो इधर पे है टमाटर, तुम देखो, और कच्चे भी और पाके भी है। ये पक्के पक गया है। तो तुम खा लो एक टमाटर। तो पर अभी खाता है टमाटर, और बहुत ही अच्छा है टमाटर। इसके अंदर ऐसा होता है, और देशी टमाटर है ना भाई। और भाई ये क्या है, ये क्या है? ये भैंस को चराने के लिए बाजरी है। बाजरी है क्या? लस्का बाजरी इसको कहते हैं। चलो आगे भी दिखाते हैं हम। हाँ। तो ये है मिर्ची, तुमको दिखाते हैं मिर्ची, देख लो पहले लो खा। अभी मैं मिर्ची को चखता हूँ, कैसी लगती है? कैसी है? थोड़ी सी ला, मैं भी खाता हूँ, बहुत अच्छी है। तो अभी मैं भी ट्राई करता हूँ मिर्ची को, और कैसी है, और आपको कहता हूँ। चलो बहन खाओ खाओ खाओ। क्या? तो मैं अभी खा लेता हूँ। कैसे लग रही है? तीखी। टमाटर नहीं है? टमाटर है, बहुत ही तीखी मिर्च है। ये लो पक्का। तो एक हम टमाटर अभी खा लेते हैं। चलो तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा है। तो ये है शक्करिया, और हम शिवरात्रि आती है तब हम उसको खाते हैं, और उपवास होता है तब हम, और इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं ना बारे बाप के। हाँ। हम खाते हैं। तो ये है मिर्च, तुमको दिखाई, और ये है रिंगड़, और इसका सब्जी बहुत ही अच्छा बनता है। सांभरिया भी बनते है इसका, मजा आ जाता है खाने के। ये पक गया है, देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। तो भाई इसका क्या कहा जाता है? इसको बिजवारा कहा जाता है। तो इसको बिजवारा होता है,
तो हम दोबारा से वहां सकते वहां सकते हैं। पता नहीं इस छोड़ में आकर टमाटर मिल जाते हैं, मिर्ची की भी खेती हमारे खेत में हो जाती है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, और कैसी है प्रवीण तुम देखो, दिखाओ प्रवीण दिखाओ। 1 2 3 देख लो। तो प्रवीण उसके बारे में कहेगा, तो ये भैंस और गाय का छाण होता है ना, इसका मुकड़ा बना के हमारे खेत में डालते हैं, तो हमारी खेती बहुत अच्छी होती है। और ये सब है ना अच्छा होता है, इसलिए उसको खातर बोलते हैं। हाँ, छाणिया खातर। गाय भैंस भी हमारे लिए काम आ सकती है, आप भी इस वीडियो में देख इस व्लॉग में देख सकते हैं। तो ये भैंसों की है। हाँ, ये भैंस और गाय भी है। और ये गाय है और उसका एक बच्चा है छोटा सा। हाँ। और बहुत ही मस्त है ना प्रवीण, ये रहा सुंदर तुम देख लो। और ये भैंस हमको मारने के लिए आती है, तो हम उसके पास नहीं जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक दूसरी चीज बताने वाला हूँ, वो जो गाय रखते है भैंस रखते है उसी को बहुत काम आ सकती है, और ये सब ये करते ही होंगे, तो आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये चीज भैंस और गाय को बहुत काम आती है, इस चीज को खाने से भैंस और गाय का दूध बढ़ सकता है। तो प्रवीण ने सारा बनाया है ना प्रवीण? हाँ, मिक्सिंग है। और श्रद्धा इधर पे, श्रद्धा खा लो, ये लो हमारे साथ श्रद्धा है।